एंड मैंने एक अपना ब्लॉग चेक कर रहा था भाई, टाइटल था आज मैंने मौत को देख लिया। भाई क्या तबाही राइडिंग की हुई ना। कल मेरा बर्थडे भी है, सो भाइयों हैप्पी बर्थडे विश कर देना मुझे। एंड जिन भाइयों ने गिफ्ट भिजवाने होंगे मैं उनको एड्रेस दे दूंगा, भाई भिजवा सकते हो। और वैसे भी गाइज अब ना कोरोना की एक और स्टेज है जो आ चुकी है बाइक की जो कम्युनिटी है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी को पता है ना, आज के टाइम पे अगर हम बात करें बाइकिंग कम्युनिटी की तो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, जस्ट बिकॉज जो जम्मू कश्मीर के पर्सन बैन ली है ना, वो बैन ली अब। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RDX राइडर्स। सो केम छो भाइयों, आई होप यू ऑल आर मजा में, और मजा में होने चाहिए। तो अभी का क्या सीन है, आज है लास्ट डे 2023 का, और मैंने सोचा क्यों ना आज एक राइड भी की जाए, साथ में ब्लॉग भी किया जाए। एक्चुअली क्या है कि मैंने आजकल बहुत ज़्यादा कम है जो राइड कर रहा हूँ एंड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। बिहाइंड द रीजंस बहुत सारे है कि क्यों नहीं कर रहा, क्या रीजंस है ना, बट फिर भी वो अभी आपको धीरे धीरे बता देंगे क्या रीजंस है क्या नहीं है। बट मैंने सोचा क्यों ना आज के दिन बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए, एंड अपने ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग एंड अपने इस साल के रिगार्डिंग कि कैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज ना मैं भी सुबह ब्लॉगिंग का सेटअप लगा ही रहा था अपने हेलमेट में, एंड मैं अपना मेमोरी कार्ड जो वो ढूंढ रहा था कि मैंने कहाँ रखा है, और भाई पता चला कि मैंने 1000 रुपये का जो नुकसान कर चुका हूँ सुबह ही, बिकॉज वो मैं घुमा चुका हूँ पता नहीं कहाँ पर एंड कहाँ पर नहीं। और धूल देख लो यहाँ पे यार, कितनी है लिटरली मैन, बहुत ज़्यादा। पहले ना यहाँ से दोस्तों बाइक निकालते हैं, एंड ठंड ना भाई जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसको बोलते हैं। और एक भाई ना ओवरऑल बाइक की लुक है जो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसी लग रही है भाई, कैसी नहीं लग रही है। मुझे नहीं पता सबका 2023 कैसा गया साल एंड कैसा नहीं गया, बट मैं अपना बताऊँ तो ठीक ठीक गया है। बहुत कुछ सोचा था वो हो भी गया है, बहुत कुछ सोचा था जो नहीं भी हुआ है, बट स्टिल ठीक है। जो चीज़ें नहीं हुई है आई विल ट्राई कि 2024 में हो जाए। एंड मैंने एक अपना ब्लॉग चेक कर रहा था भाई, टाइटल था आज मैंने मौत को देख लिया। भाई क्या तबाही राइडिंग की हुई ना। जिन भाइयों ने नहीं देखा है ना भाई, एक बार जाके ना जरूर चेकआउट करना। ग्लव्स लाना भूल गया यार जल्दी जल्दी के चक्कर में, एंड हाथ ना सुन्न हो चुके हैं ठंड से। जय श्री राम। मैं चाहता था वैसे भी कि भाई 2023 को ना मैं एक राइड के साथ ख़त्म करूँ, एंड जो 2024 है उसको एक राइड के साथ शुरू करूँ। मुझे नहीं पता कि कल मैं राइड कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, बट ठीक है कोशिश करेंगे। एंड कल मेरा बर्थडे भी है, सो भाइयों हैप्पी बर्थडे विश कर देना मुझे। एंड जिन भाइयों ने गिफ्ट भिजवाने होंगे मैं उनको एड्रेस दे दूँगा, भाई भिजवा सकते हो। फ्री की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हम मना नहीं करेंगे। वैसे मैं ना किसी काम से निकला था घर से बोल के कि मैं काम से जा रहा हूँ भन्ना मार के। अगर मैं ऐसे निकलता ना तो भाइयों कभी भी ना निकल पाता, घर से गालियाँ पड़ती, बोलते तो हर संडे भी भाग जाता है कभी कहीं कभी कहीं। तो अभी मैं एक भन्ना मार के निकला हूँ राइड करने के लिए, यार रहा नहीं जाता यार बाइक चलाए बिना। और वैसे भी गाइज अब ना कोरोना की एक और स्टेज है जो आ चुकी है, और चंडीगढ़ में जो मास्क पहनना जरूरी कर दिया, जहाँ पे क्राउड है वहाँ पे आपको मास्क वगैरह एंड ऑल जो वेयर करने पड़ेंगे। लेट्स गो। तो अगर कोई भाई 31st पे शाम को कहीं जा रहा है ना सेलिब्रेट करने क्राउड वाले एरिया में, तो भाई मास्क जरूर वेयर करके जाना, वैसे तो अवॉइड ही करना जाना, बिकॉज जान है तो जहान है। एंड आप लोग को सभी को पता है जब कोरोना पहले भी आया था तो उसने कितनी तबाहियाँ मचाई थी, कितने लोगों के घर उजाड़े थे। तो मेरा मानना तो ये कि थोड़ा अवॉइड करना, नया साल तो फिर भी आ जाएगा बट ज़िंदगी नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैं दे देता हूँ यार, कभी कभी देना भी चाहिए यार, हम ज्ञानी हैं। सो ऑलराइट भाइयों, इसी के साथ हम जीरकपुर में प्रवेश करने जा रहे हो। भाई एक्सीडेंट देख रहे हो, क्या तगड़ा हुआ है गाड़ी का, वो भी एक महिंद्रा वर्गी गाड़ी का, इतना खतरनाक एक्सीडेंट। सपोज करो अगर मतलब कि सुजुकी की गाड़ी होती तो क्या हाल हुआ होता भाई। यार चाय पीनी थी टपरी की, वैसे आया तो मैं चाय पीने की लालसी था।
200 रुपए का तेल फूके, 10 रुपए की चाय पीने, अलग ही शौक पाल रखे भाई। ये लगा टपरी भाई, यहाँ पे बैठ गया चाय पीगा तुम्हारा भाई गर्मा गर्म। सो ऑलराइट भाई, अभी ना हम चाय पीने के लिए रुके। यहाँ पे ना आप अपनी बाइक देख सकते हो, क्या सेक्सी लग रही है ना भाई, अमेजिंग। इसमें नया गोल्डन चेन लगवाई, बट मेरा फ्रेंड ना सही बोल रहा था कोई बेनिफिट नहीं है गोल्डन चेन लगवाने का, बिकॉज काली हो जाएगी, और काली हो चुकी है देखो, अभी वॉच करवाई थी भाई। बाकी ओवरऑल बाइक की लुक आप देख सकते हो क्या सही लग रही है ना, ये देखो जो मर्जी बोलो भाई, लगती बड़ी सेक्सी है। एक आधी रील्स बनाते हैं उसके बाद फिर चाय चू पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं भाई फिर अपने घर की ओर। ऑलराइट भाई, अभी तक हमारा भाई जीरकपुर में एग्जैक्ट, यहाँ पे अपनी बाइक लगी हुई है एंड यहाँ पे अभी चाय मिल चुकी है, तो चाय वगैरह पीते हैं उसके बाद फिर से आपको मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। तो कोशिश करूँगा शायद आप थोड़ी सी हाइपर राइड करूँ यहाँ से वापस जाते हुए। अगर आप लोग भी चाहते हैं हाइपर राइड तो हिट लाइक डू सब्सक्राइब, हाइपर राइड करूँगा बट कोई भी फालतू के कट नहीं मारूंगा जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को प्रॉब्लम हो या किसी की गाड़ी में स्क्रैच आए। तो चाय वगैरह पीते उसके बाद निकलते भाई आगे। ऑलराइट भाई, अभी ना तुम्हारे भाई ने चाय तो पी ली पर वो चाय पीने का ना स्वाद सा नहीं आया, वो थी नहीं जैसी अपने वो चीज होती है, मीठा बहुत ही नहीं कम था, मतलब कि मूड ही ख़राब हो गया चाय पी के, इससे बड़े तो पहले ही ठीक था मैं। एंड यार आपसे ना थोड़ी सी बातें शेयर करनी थी, लाइक अपने बाइक की जो कम्युनिटी है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी को पता है ना आज के टाइम पे अगर हम बात करें बाइकिंग कम्युनिटी की तो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी है, जस्ट बिकॉज जो जम्मू कश्मीर के पर्सन है, जो जम्मू कश्मीर के पर्सन है उनके करके। मैंने सोचा शायद मुझे रोक रहे भाई, धक धक मच गई थी मैं तो चल लास्ट साल में जाते जाते भी चलान ही हो जाएगा। तो आपको पता ऐसे कि ना बाइक की कम्युनिटी के बारे में, तो उसके बारे में बात कर रहा था मैं। तो आपको पता कि अगर आज के टाइम पे ना बाइक की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बस अगर ख़राब हुई है सिर्फ एक स्टेट के करके हुई है, वरना बाइक की कम्युनिटी थी ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी अपने टाइम पर, बट एक स्टेट ने इसको इतना ख़राब कर दिया कि आज के टाइम पर अगर कोई थोड़ी सी भी कॉस्टली बाइक लेके निकलता है तो लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि तो रेसे करने के लिए निकले, छपरी गिरी करने के लिए निकले, लाइक ऐसे ऐसे, मतलब कि पता नहीं क्या क्या एलिगेशन है जो लगा देते हैं। और वो चाहे बंदा सिंसियरली राइड कर रहा हो, हर चीज़ को फॉलो कर रहा हो, बट नहीं। बट आप सभी को पता हो मैं किस स्टेट की बात कर रहा हूँ, कौन सी स्टेट है ये कर रही है काम, बस उस स्टेट ने इतना घटिया कर दिया इस कम्युनिटी को आज के टाइम पे। मैं कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ किसी के रिगार्डिंग, बट जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ। मतलब कि आप क्राउड वाले एरिया में कट कुट मार के जा रहे हो, स्ट्रीट रेस कर रहे हो एंड ऑल इट जस्ट फॉर आर व्यूज़, तो एक ना गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। आपने मोटो ब्लॉग को ही बदनाम कर दिया इंडिया में, इसी करके ना मोटो ब्लॉग केरला में बैन हुआ है। मैक्सिमम मुझे लगता है धीरे धीरे आने वाले टाइम पे हर जगह ही बैन हो जाएगा, बिकॉज आप एक व्यूज़ के लिए अपनी जान को तो रिस्क में पा रहे हो, साथ में दूसरे बंदों की जान को भी रिस्क में पा रहे हो। सो ये बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट डाउन बिलो। इवन कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं भी बहुत तेज़ चलाता हूँ बाइक, बहुत ही ज़्यादा तेज़ ठीक नहीं है, बट मैं क्राउड वाले एरिया में बहुत रेयरली चलाता हूँ तेज़। मुझे नहीं है शौक कि भी मैं कट कुट मार के ऐसे ऐसे निकलूँ, बिकॉज मुझे अपनी जान से ज़्यादा पसंद ये है, और मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ पर कोई स्क्रैच आए या कुछ आए। कंटेंट अपनी जगह है बट ये भाई अपनी जगह है, इससे ज़्यादा मुझे प्यार है। मैं कंटेंट के लिए इसको तो बिल्कुल नहीं नुकसान होने दूंगा, 1% का हल्का सा भी स्क्रैच इसमें आता ना भाई दिल में यहाँ पर दर्द होता है कि कैसे अब इसको गायब करूँ स्क्रैच को। तो आपने ना भाई साहब अभी तक 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए मेरे से, बाद में जो कंटेंट क्रिएटर है उनके आज के टाइम पे 50-60 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, और तुम्हारे भाई के सिर्फ मतलब 2000 भी नहीं हुए अभी तक यार, लिटरली। मतलब कि गाइस एक बर्थडे गिफ्ट ही दे दो, 2000 सब्सक्राइबर्स करवा दो अपने भाई की जल्दी। तुम्हारा भाई ना बहुत मेहनत करता है, मैंने कंटेंट मैं बोलता हूँ कि मैंने वीडियोज़ लानी अब छोड़ दिए, बहुत कम ला रहा हूँ, मन नहीं करता, बिकॉज यार वो रीच ही नहीं मिलती है, 88 व्यूज़ 90 व्यूज़, तो वहाँ पे कहीं ना दिल दुख जाता है। अगर व्यू अच्छे आए ना भाई तो एडिटिंग भी आपको एक हाई क्लास लेवल की मिलेगी, सिनेमैटिक शॉट भी हाई क्लास लेवल की मिलेंगे, और जो कंटेंट है ना भाई वो तो मिलेगा ही मिलेगा हाई क्लास लेवल का, ये डेफिनेटली वादा रहा तुम्हारे भाई का। बस थोड़ी सी ना सपोर्ट करो अपने भाई को, सपोर्ट ही नहीं है भाई, सपोर्ट के नाम पर अंडा मिल रहा है मेरे को, सिर्फ अंडा। तो भाई रिक्वेस्ट है यार थोड़ी सी सपोर्ट कर दो अपने भाई को, थोड़ा सा सैड हो गया था हमारा भाई, इमोशनल हो गया, खुश था पहले इतना। आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना, डैट्स व्हाई। बाइकर्स भाई यार संडे बैनली है ना, वो बैनली अब ऐसे ही मरूंगा, बस ऐसे ही ठुकूंगा किसी दिन, मुझे लग रहा है आज 31st ना कांड ना हो जाए नए साल पे, पुराने बस साल के एंड डे पे।
जय श्री राम। ऐसा कुछ ना हो यार प्रभु, सब कुछ अच्छे से निपटाना साल का एंड अच्छा से जाना देना मेरा। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, आगे भी अच्छा जाए बस। सो ऑल राइट भाइयों, आई होप आप लोगों को ना इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर नहीं भी आया तो भाई हिट लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब कर देना, मेरे बर्थडे का गिफ्ट में मुझे 2000 सब्सक्राइबर्स दे देना। बाकी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। और आना साल गया है तो आई होप सभी का अच्छा गया होगा, जिनका नहीं गया तो आई होप आपका 2024 बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। और बस मेहनत करते जाओ और बस इतना ही बोलूँगा। बाकी ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा तो हिट लाइक डू सब्सक्राइब। मिलते अगले किसी अच्छे से ब्लॉग में। टेल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू गाइस, बाय बाय। हाँ मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ी मेरी शान है, मेहनत भरी खून में और हार्ड वर्क काम में, फौज का नाम सुनते ही आ जाता हम मैं काम में। घर घर जाके देखो हर घर से सैनिक निकलेगा, देश के खातिर जान भी कर देते हम कुर्बान है। डांस में भी राघव।